S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट पहुंचा भारत। भारत के इस डिफेंस सिस्टम से चीन और पाकिस्तान परेशान। दोस्तों, भारत के जिस हथियार से दुश्मन खौफ खा रहे थे वो हथियार आ चुका है। नए साल से ठीक पहले भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि इस खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी रेजिमेंट 2022 के मध्य तक पहुंचने वाली है। ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है कि S-400 डिफेंस सिस्टम को भारत के उत्तरी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले साल तक S-400 के दोनों रेजिमेंटों को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जा सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तैनात होने से चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी हवाई हमले को भारत में घुसने से पहले ही तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। S-400 से मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट, यहां तक कि ड्रोन के हमलों से भी बचाव किया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की हर सिस्टम में 8 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल होता है, यानी कि एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइल फायर कर सकती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार में 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम के रडार को जैम भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को केवल 10 से 15 मिनट में हमला के लिए तैयार भी किया जा सकता है। अगर ये सिस्टम तैनात हो तो सिग्नल मिलने के 3 मिनट के अंदर ये जवाबी कार्रवाई कर सकता है। चीन ने 2018 में S-400 की तैनाती अपने यहाँ कर दी थी। भारतीय S-400 को लेकर चीन में बौखलाहट मची हुई है। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मीडिया और एक्सपर्ट से कुछ नकारात्मक बयान भी आई है। वहां के कुछ एक्सपर्ट भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर अपने लिए थ्रेट्स बताया है। आप पाकिस्तानी मीडिया का एक छोटा सा क्लिप देखिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ के लोग कितने डरे हुए हैं। You have that India got S-400 air defense system despite the risk of sanctions from America. Sir, आप कैसे देखते हैं ये पाकिस्तान को किस तरह affect कर सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या नए मुसीबत challenges आप देख रहे हैं इस Every aircraft, ballistics and airborne control system at 400 kilometer, 250 kilometer, 120 kilometer and the shortest range is 40. चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है तो इंडिया की तरफ से जो भी डिटेल सामने आ रही है, इंडिया का यही स्टैंड है कि उसने ये सिस्टम चाइना के खिलाफ अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए लिया है और इसको उन बॉर्डर्स पर, उन प्लेसेस पर डिप्लॉय किया जाएगा कि जहां पर चाइना के खिलाफ अपने मुल्क को डिफेंड किया जा सके। लेकिन ये भी सुनने को मिला, ये भी पढ़ने को मिला, कहा जा रहा है कि इनमें से एक, क्योंकि ये 5 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम है, तो इनमें से एक पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा कि जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, पहला तो यह है कि भारत में जब यह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया है तो उसको पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, चाइनीज शायद इस चैलेंज को डील कर सके हैं और पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में कुछ नहीं किया सवाई इंडिया से मैच करने में चीजें, लेकिन सिंस पाकिस्तान हैज द न्यूक्लियर एसेट्स तो हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है दैट हैज बीन अचीव्ड। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान से इसे लेकर प्रतिक्रिया आई है, इसका कारण जैसा कि आप जानते हैं कि S-400 डिफेंस सिस्टम US के डिफेंस सिस्टम से कहीं बेहतर मानी जाती है। मौजूदा समय में यह सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। यह डिफेंस सिस्टम ट्रक पर माउंट होता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। भारत ने 5 अक्टूबर 2018 को रूस के साथ $5.43 मिलियन यानी कि करीब 39,000 करोड़ रुपए में रूस के साथ 5 S-400 रेजिमेंट की डील की थी। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरी थी, क्योंकि चीन के पास न केवल अच्छी फाइटर एयरक्राफ्ट है बल्कि लंबी दूरी तक मार्क करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा भी मौजूद है। भारत के साथ रूस के इस सौदे पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई थी। तब वहाँ की सरकार ने काट्सा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया था कि वे अपनी रक्षा जरूरतों के फैसले पर किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। S-400 डिफेंस सिस्टम भारत आ गया है। अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका का क्या फैसला आता है। जो भी हो, अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो उसमें उसका ज्यादा नुकसान होगा। बाकी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने से भारत अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है
और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।